आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज के प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। गोमिया में नक्सलियों ने दिन दहाड़े मचाया उत्पात, एक की गोली मारकर की हत्या, कई वाहन फूंके। दूसरी खबर, दुमका में तीन इनामी नक्सलियों ने हथियार के साथ किया सरेंडर। तीसरी खबर, लोहरदगा में सन्नाटे को चीरती जवानों की संगीने। चौथी खबर, भाजपा का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा सोनुआ, पुलिस ने रोका, झड़प और हंगामा। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। बेरमो अनुमंडल के नक्सल प्रभावित गोमिया प्रखंड अंतर्गत गोमिया एवं जागेश्वर थाना की सीमा पर स्थित लुगु पहाड़ के तलहटी में स्थित पिंडरा गांव में नक्सलियों ने शुक्रवार को दिन दहाड़े जमकर उत्पात मचाया। नक्सलियों के सशस्त्र दस्ता ने सड़क निर्माण कार्य में लगे एक जेसीबी एवं ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया, जबकि पिंडरा निवासी मुंशी रमेश मांझी को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना दिन के 11 बजे की है। घटना को अंजाम देने से पहले नक्सलियों ने कार्यरत मजदूरों को वहां से मारपीट कर भगा दिया। घटना की सूचना मिलते ही बेरमो SDPO अंजनी अंजन एवं SSP अभियान उमेश कुमार पिंडरा पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद पिंडरा एवं उसके आसपास के गांवों में दहशत और सन्नाटा पसरा है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। भाकपा माओवादी संगठन के तीन हार्डकोर नक्सलियों ने शुक्रवार को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में झिलमिल उर्फ गहना राय उर्फ राजेंद्र राय, सोकलदा उर्फ रिमिलदा और संतु उर्फ छोटा श्यामलाल देहरी शामिल है। छोटा श्यामलाल 1 लाख, राजेंद्र देहरी और रिमिलदा 5-5 लाख रुपए के इनामी है। DIG राजकुमार लकड़ा, SP YS रमेश, DC राजेश्वरी बी की मौजूदगी में सरेंडर करने वाले तीनों नक्सलियों को चेक सौंपा गया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों के खिलाफ कई थानों में नक्सली घटनाओं में शामिल होने का मामला दर्ज है। इन तीनों नक्सलियों को झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति नई दिशा के तहत मिलने वाले लाभ दिए जाएंगे। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। लोहरदगा में CAA की रैली के बाद बिगड़े हालात पर काबू पा लिया गया है। शहर में प्रशासन ने 2 दिनों के लिए निषेधाज्ञा लगा दिया है। शुक्रवार सुबह सड़कों पर सन्नाटा दिखा। एहतियात के तौर पर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर बड़ी संख्या में जैप, CRPF और जिला पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं रांची से लोहरदगा जाने और आने वाली पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा लोहरदगा की ओर से गुजरने वाली एक ट्रेन का रूट डाइवर्ट किया गया है। DIG समेत तमाम अधिकारी मौके पर नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि बीते गुरुवार को लोहरदगा में CAA के समर्थन में विहिप के जुलूस पर पथराव के बाद बवाल हो गया था। लोहरदगा की उपायुक्त आकांक्षा रंजन ने शहर में 24 और 25 जनवरी को निषेधाज्ञा की घोषणा की है। उनके आदेश पर सभी स्कूल कॉलेजों को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि इस अवधि में किसी भी व्यक्ति का अपने घर से बाहर निकलना वर्जित और निषेध है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। साथ ही अफवाहों पर ध्यान नहीं दे, इसके लिए भी अपील की गई है। किसी प्रकार का सरकारी निजी संपत्ति का तोड़फोड़ अथवा आगजनी नहीं करे, ऐसा करते पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर शहर में DSP रैंक के 12 अफसरों की तैनाती की गई है। सभी को अगले आदेश तक तैनात रहने को कहा गया है। सीनियर अफसरों ने लोहरदगा SP प्रियदर्शी आलोक को उपद्रवियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। शहर में मौजूद DIG AV होमकर स्थितियों पर नजर बनाए रखे हैं। हालात पर नियंत्रण रखने के लिए लातेहार, गुमला, रांची, बोकारो, धनबाद से जैप और CRPF और जिला पुलिस बल का सहयोग लिया गया है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। चाईबासा के गुदड़ी प्रखंड के बुरगुलीकेरा गांव में शुक्रवार को पहुंचे भाजपा के प्रतिनिधि मंडल का आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने से रोक दिया। बुरगुलीकेरा नहीं जाने दिया गया। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल के सदस्य क्राई किला थाना नाका के पास रांची चाईबासा राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पर धरने पर बैठ गए। यहां पुलिस के साथ उनकी बगझग भी हुई। भाजपा कार्यकर्ताओं के जुटने के बाद हंगामा भी हुआ। बता दें कि चाईबासा के गुदड़ी प्रखंड के बुरगुलीकेरा गांव के 10 लोगों की हत्या के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने 6 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है, जो मामले की जांच के बाद केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। इस कमेटी में गुजरात के सांसद जसवंत सिंह भाभोर, सांसद समीर उराव, महाराष्ट्र की सांसद भारती पवार, छत्तीसगढ़ सांसद गोमती साय, पश्चिम बंगाल के सांसद जॉन बारला, झारखंड के पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा शामिल है। शुक्रवार को यह प्रतिनिधि मंडल घटना स्थल पर जा रहा था। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने कहा कि प्रशासन ने उन्हें निषेधाज्ञा का हवाला देकर बुरगुलीकेरा जाने से रोक दिया। वहीं प्रशासन का कहना है कि 26 जनवरी के बाद प्रतिनिधि मंडल को पीड़ित परिवार से मुलाकात के लिए ले जाया जाएगा।
आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।